हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल, क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। 6 करोड़ जनधन खाते हो गए हैं इन ऑपरेटिव, कहीं आपका भी तो नहीं है इसमें शामिल। जी हां, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लोगों को बैंक में जनधन खाता खोलने की सुविधा दी गई है। बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को ये सुविधा देने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री जनधन खाता की शुरुआत की गई। लेकिन केंद्र सरकार ने अब बताया कि प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना के अंतर्गत 5,82,00,000 खाते निष्क्रिय हो गए हैं और इनमें से महिलाओं के निष्क्रिय खातों की संख्या लगभग 2,02,00,000 है। राज्यसभा में एक लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 28 जुलाई 2021 की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन खाता के अंतर्गत कुल निष्क्रिय खातों की संख्या लगभग 5,82,00,000 है। उन्होंने कहा कि निष्क्रिय खातों की संख्या की प्रतिशतता मार्च 2020 में 18.08% से जुलाई 2021 में कम होकर 14.02% हो गई है। अब आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार जब किसी खाते में लगातार 2 साल या उससे अधिक दिनों तक कोई लेन देन नहीं होता है तो वह खाता इन ऑपरेटिव हो जाता है। यानी कि ये 5,82,00,000 जो खाते हैं जनधन के, उनमें कम से कम 2 साल से कोई लेन देन नहीं हुआ है। ये काफ़ी चिंता का विषय है, इसलिए भी क्योंकि सरकार की तमाम वेलफेयर स्कीम और ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत इन्हीं खातों में पैसे भेजे जाते हैं। तो आप भी अपना पुराना जनधन खाता जरूर चेक करवाएं। दिमाग पर बड़ा असर कर जाता है कोरोना, सोच समझ भी हो जाती है कमजोर। 80,000 लोगों पर हुए स्टडी से इस बात का हुआ खुलासा। जी हां, कोरोना वायरस शरीर में एक बार प्रवेश कर जाए तो यह कई तरीकों से नुकसान पहुंचाता है। संक्रमण खत्म होने के बाद भी कई तरह के असर लंबे समय तक बने रहते हैं। अब एक नई स्टडी में पता चला है कि संक्रमण से मात दे चुके लोगों की सोचने समझने या ध्यान केंद्रित करने जैसी शक्ति भी कमजोर हो जाती है। 80,000 से अधिक लोगों पर हुए इस अध्ययन से ये बात सामने आई है। आपको बता दें कि ई क्लिनिकल मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित रिसर्च में कहा गया है कि कोविड-19 के गंभीर लक्षण झेल चुके लोगों की जब परीक्षा ली गई तो उन्हें कम अंक मिले, खास करके रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। डेटा के विस्तृत विश्लेषण से संकेत मिलता है कि सांस लेने में मदद के लिए जिन लोगों ने मैकेनिकल वेंटिलेशन का सहायता लिया है उन्हें अधिक नुकसान हुआ है। ब्रिटेन में इंपीरियल कॉलेज लंदन से जुड़े और स्टडी रिपोर्ट के अग्रणी लेखक एडम हैम्पशायर ने कहा कि हमारे अध्ययन में कोविड-19 के विभिन्न पहलुओं को देखा गया जो मस्तिष्क और मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं। विभिन्न पहलुओं को देखते हुए अनुसंधान से संकेत मिलता है कि मस्तिष्क पर कोविड-19 के कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं जिसमें आगे पड़ताल की आवश्यकता है। हाँ, मैं दोषी हूँ अगर। ट्विटर अकाउंट लॉक होने पर इंस्टाग्राम से राहुल गांधी का सरकार पर हमला। जी हाँ, आपको बता दें कि ट्विटर पर कांग्रेस नेताओं और खुद का अकाउंट बंद किए जाने के बाद भी राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला जारी है। अब राहुल गांधी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम की अपनी एक ताज़ा पोस्ट में लिखा है कि डरो मत, सत्यमेव जयते। इसी के साथ ही उन्होंने कुछ स्लाइड भी पोस्ट की हैं। तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ट्विटर पर ही ट्विटर के खिलाफ हमलावर है। राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि अगर किसी के प्रति दया या सहानुभूति दिखाना क्राइम है तो मैं अपराधी हूँ। अगर रेप मर्डर पीड़ित के लिए न्याय मांगना गलत है तो मैं दोषी हूँ। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि वे हमें एक प्लेटफॉर्म पर लॉक कर सकते हैं लेकिन वे लोगों के लिए उठने वाली हमारी आवाज़ को बंद नहीं कर सकते। दया, प्यार, न्याय का संदेश वैश्विक है। 1.3 बिलियन भारतीयों को चुप नहीं कराया जा सकता। आने वाले कुछ वर्षों में बच्चों की बीमारी बन सकती है कोरोना, शोध में सामने आई हैरान कर देने वाली बात। जी हाँ, पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाले कोरोना वायरस पर लगातार रिसर्च चल रही है। इसी बीच कोविड-19 वायरस को लेकर कुछ हैरान कर देने वाली बातें सामने आई हैं। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस भविष्य में अन्य सर्दी जुकाम वाले दूसरे वायरस की तरह व्यवहार कर सकता है जिसकी वजह से छोटे बच्चे भी प्रभावित हो सकते हैं। भविष्य में कोरोना बच्चों की आम बीमारियों की तरह सामने आ सकता है।
फिलहाल अभी तक छोटे बच्चों के कोरोना से संक्रमित होने के गंभीर मामले सामने नहीं आए हैं और न ही बच्चों को अभी कोरोना का टीका दिया जा रहा है। एक अध्ययन में कहा गया है कि बच्चों में कोविड-19 का खतरा आमतौर पर कम होता है, इसलिए वैश्विक स्तर पर इस बीमारी का बोझ कम होने की उम्मीद है। नॉर्वे के ओस्लो विश्वविद्यालय के ओटार बोर्नार्ड स्टैंड ने कहा कि SARS-CoV-2 वायरस उम्र बढ़ने के साथ साथ अधिक घातक होता है, लेकिन शोध में ऐसे परिणाम सामने आए हैं जो बताते हैं कि वायरस का जोखिम भविष्य में बच्चों तक पहुंच जाएगा। शोध में यह भी सामने आया है कि वयस्क समुदाय का टीकाकरण होने के बाद वायरस बच्चों में अपने आप को स्थानांतरित करने की कोशिश करेगा। जर्नल साइंस एडवांसेस में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि इस तरह के बदलाव अन्य कोरोना वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस में देखे गए हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब घर से खाना लाने की जरूरत नहीं। IRCTC ने फिर शुरू की ई कैटरिंग। जी हां, आपको बता दें कि देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग यात्रा के लिए भारतीय रेलवे का इस्तेमाल करते हैं। कोरोना संकट के बीच रेल परिचालन पर काफी बुरा असर पड़ा। हालांकि रेलवे ने कोरोना नियमों पर सख्ती से पालन करते हुए विशेष ट्रेनें चलाकर करोड़ों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। इस दौरान रेलवे ने यात्रियों को संक्रमण से बचाने के लिए कई सुविधाओं को बंद रखा था। इन्हीं में से एक सुविधा सफर के दौरान ट्रेन में भोजन उपलब्ध यानी ई कैटरिंग सर्विस कराना भी थी। अब हालात सुधरने पर रेलवे की सहयोगी कंपनी IRCTC ने ई कैटरिंग सेवा को फिर से शुरू कर दिया है। आसान शब्दों में अगर समझे तो अब रेल यात्रियों को सफर पर घर से खाना लाने की जरूरत नहीं है। IRCTC ने ट्वीट करके कहा कि अब रेल यात्रियों को ट्रेन में भूखा नहीं रहना होगा। IRCTC ने ई कैटरिंग सर्विस को फिर से शुरू कर दिया है। बस कुछ ही स्वाइप में लंबी या छोटी यात्रा के लिए अपना पसंदीदा खाना ऑर्डर करें और उसे अपनी ट्रेन की बर्थ पर डिलीवर करवाएं। हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ेगा हर गांव, उपलब्ध होगी ऑनलाइन शिक्षा। जी हां, आने वाले समय में भारत के हर गांव को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। भारतीय गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने पर दूर दराज के इलाकों में भी ऑनलाइन शिक्षा सरलता से उपलब्ध हो सकेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि देश में युवाओं को 21वीं सदी के कौशल से लैस करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कल्पना की गई थी, सरकार भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाने के लिए शिक्षा और कौशल के बीच अधिक तालमेल बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि NEP एक मजबूत शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और अंततः आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने में योगदान देगा। चीन की कॉपी कर भारत नहीं बन सकता है दुनिया का अगला मैन्युफैक्चरिंग हब। वर्ल्ड लीडर बनने के लिए देना होगा नए क्षेत्रों पर ध्यान। जी हां, चीन की नकल कर भारत कभी भी दुनिया के लिए अगला मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकता, ये बात नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि भारत एक ग्लोबल लीडर बनना चाहता है तो उसे विकास के उभरते हुए क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उद्योग संगठन CII द्वारा आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांत ने कहा कि भारत के प्राइवेट सेक्टर ने अपने लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं और प्रतिस्पर्धी बनने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन, हाई एंड बैटरी, एडवांस सोलर पैनल्स जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि चीन की नकल करके भारत दुनिया के लिए अगली फैक्ट्री नहीं बन सकता, हमें हमेशा विकास के नए उभरते हुए क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा। यह समय विकास के उभरते हुए क्षेत्रों में संभावनाओं का भरपूर दोहन करने का है। सरकार और जनता दोनों के लिए खुशखबरी, महंगाई के मोर्चे पर आई राहत भरी खबर, जुलाई में महंगाई दर घटी। जी हां, आपको बता दें कि सरकार और जनता दोनों के लिए राहत भरी खबर आई है। जुलाई के महीने में खुदरा महंगाई दर 5.59% रही, जून के महीने में खुदरा महंगाई दर 6.26% रही थी, जबकि मई में यह 6.30% थी। लगातार 5 महीने तक महंगाई दर RBI के दायरे में रही थी। मई और जून में ये 6% के ऊपर सीमा को क्रॉस कर गई थी। जुलाई में एक बार फिर से ये 6% के दायरे में रही महंगाई दर इस महीने हुई मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में अहम मुद्दा था।
बंगाल में लॉकडाउन की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ी, फिलहाल नहीं चलेगी लोकल ट्रेन, ममता बनर्जी ने किया ऐलान। जी हां, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोरोना महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। लॉकडाउन में कुछ छूट दी जा रही है, मेट्रो, बस, ऑटो आदि चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल लोकल ट्रेन नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि तीसरे वेव की आशंका है कि इस कारण से फिलहाल लोकल ट्रेन नहीं चलाए जाएंगे, लेकिन रात का कर्फ्यू की अवधि रात 9 बजे की जगह अब 11 बजे से आरंभ होगा और यह सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। आपको बता दें कि बंगाल में 15 अगस्त तक लॉकडाउन था। आपको बताएं कि ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में कोरोना संक्रमण के मामले नहीं बढ़े हैं, 600 से 700 केस आ रहे हैं, हम बहुत ही कंट्रोल कर पाए हैं। राज्यसभा में हंगामे पर 8 केंद्रीय मंत्रियों का पलटवार, अनुराग ठाकुर बोले, घड़ियाली आंसू बहाने की बजाय देश से माफी मांगे विपक्ष। जी हां, राज्यसभा में बुधवार को सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प के मामले पर अब सरकार और विपक्ष में वार पलटवार चल रहा है। विपक्ष के आरोपों पर 8 केंद्रीय मंत्रियों ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पलटवार किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश की जनता चाहती है कि उनसे जुड़े मुद्दों को संसद में उठाया जाए, जबकि विपक्ष और अराजकता पर उतारू रहा। विपक्ष को इस समय घड़ियाली आंसू बहाने की बजाय देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने पहले ही फैसला कर लिया था कि संसद को चलने नहीं देना है, नए मंत्रियों का परिचय तक नहीं होने दिया गया, तो वहीं महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा भी नहीं होने दी गई। हम राज्यसभा के सभापति से मांग करते हैं कि सदन में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगले हफ्ते लॉन्च होगा ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म, वैक्सीन को लेकर भरोसा पुख्ता करने की कोशिश। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन यानी टीके के बाद होने वाला संक्रमण के मामले आने के बाद चिंता और बढ़ गई है। इसके लिए वैक्सीन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म अगले हफ्ते लॉन्च करने की योजना है, जिसमें पूरे देश के ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की जानकारी होगी। ये प्लेटफॉर्म पब्लिक डोमेन में होगा। इस प्लेटफॉर्म के जरिए कोशिश होगी कि लोगों में वैक्सीनेशन को कर भरोसे को और पुख्ता किया जाए, क्योंकि अब तक वैक्सीन के बाद लोगों को कोरोना में तो बहुत मामूली संक्रमण ही पाया जा रहा है। इसी के साथ ही पाया गया है कि टीका लगवाने के बाद अस्पताल में भर्ती करने की भी नौबत न के बराबर रह गई है। महिला हॉकी टीम की प्रत्येक सदस्य को 31 लाख रुपए देगी शिवराज सरकार, मुख्यमंत्री बोले, उनका दिल टूटने नहीं देना है। जी हाँ, टोक्यो में खेले गए ओलंपिक खेलों में भले ही भारतीय महिला हॉकी टीम कोई मेडल नहीं जीत सकी हो, लेकिन उसने करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल जरूर जीते हैं। अपने जुझारूपन और दिलेरी से इतिहास रचने वाली महिला हॉकी टीम का पहला ओलंपिक पदक जीतने का सपना तब टूट गया जब ब्रिटेन ने उसे कांस्य पदक के रोमांचक मुकाबले में 4-3 से हरा दिया। हालांकि इस हार के बावजूद हर कोई इस टीम की तारीफ कर रहा है। अब इस कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी जुड़ गया है। भारतीय टीम ने टोक्यो ओलंपिक में जो ऐतिहासिक प्रदर्शन किया, उस पर पूरे देश को गर्व है। यह पहला मौका था जब भारतीय महिला हॉकी टीम ओलंपिक में मेडल के लिए मैच खेलने उतरी थी। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के दमदार प्रदर्शन को देखते हुए पूरे देश को यह विश्वास है कि यह टीम 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पदक जरूर लाएगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी महिला हॉकी टीम के जज्बे को देखकर उनके प्रशंसक बन गए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश सरकार महिला हॉकी टीम की प्रत्येक सदस्य को 31 लाख रुपए देगी। रिसर्च स्टडी का दावा, कोविड वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग होने के चांस बेहद कम लेकिन जानलेवा। जी हां, वैज्ञानिकों के अनुसार कोविड-19 वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग यानी कि खून के थक्के जमने के चांस बेहद कम होते हैं। हालांकि अगर किसी को वैक्सीन के बाद ब्लड क्लॉटिंग होती है तो ये उसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसी के साथ ही वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि वो कोविड-19 वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग होने के कारणों की जांच कर रहे हैं। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपी एक रिसर्च स्टडी के अनुसार 50 साल से कम उम्र के जिन लोगों को एस्ट्राजेनेका और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड द्वारा तैयार की गई वैक्सीन दी गई थी, उनमें ब्लड क्लॉटिंग का 50,000 लोगों में एक मामला सामने आया है। जिन मरीजों में वैक्सीन लगाने के बाद ये ब्लड क्लॉटिंग के मामले मिले हैं, उनमें से 1/4 लोगों की मृत्यु हुई है।
इमरान खान ने कहा, अमेरिका देता है भारत को प्राथमिकता, अफगानिस्तान में लड़ाई शांत करने के लिए करता है पाकिस्तान का इस्तेमाल। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह पाकिस्तान को केवल उस गड़बड़ी से निपटने के लिए उपयोगी समझता है जो उसने 20 साल की लड़ाई के बाद अफगानिस्तान में पीछे छोड़ी है, और जब रणनीतिक साझेदारी बनाने की बात आती है तो वह भारत को प्राथमिकता देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से अमेरिकी एवं नाटो की वापसी की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद अफगानिस्तान में हिंसा में खासी बढ़ोतरी देखी गई। खान ने यहां विदेशी पत्रकारों से कहा कि पाकिस्तान को केवल उस गड़बड़ी से निपटने के संदर्भ में उपयोगी समझा जाता है जो सैन्य समाधान खोजने की कोशिश के 20 साल बाद पैदा हुई है। प्रियंका गांधी ने ट्विटर प्रोफाइल में लगाई राहुल गांधी की तस्वीर, श्रीनिवास ने बदला नाम। जी हां, आपको बता दें कि ट्विटर और कांग्रेस के बीच विवाद बढ़ गया है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल लॉक किए जाने के विरोध में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने ट्विटर पर नाम बदलकर राहुल गांधी कर दिया। इसी के साथ ही प्रोफाइल फोटो में राहुल गांधी की तस्वीर लगा दी, तो वहीं प्रियंका गांधी ने भी प्रोफाइल फोटो बदलकर राहुल गांधी की तस्वीर लगा ली। कई अन्य नेताओं ने भी ट्विटर की कार्रवाई के विरोध में राहुल गांधी की तस्वीर लगाई है और नाम बदला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि ट्विटर कांग्रेस नेताओं के अकाउंट को लॉक करने के लिए मोदी सरकार की नीति का इस्तेमाल कर रहा है या फिर अपनी नीति का। एससी आयोग के अकाउंट को क्यों नहीं लॉक किया गया, जबकि उस हैंडल से भी हमारे नेताओं से पहले वही तस्वीर साझा की गई थी। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, असम और मेघालय में मध्यम से भारी बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, बिहार, झारखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक, केरल और कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर कुछ देर के लिए तेज बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मध्य भागों, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, विदर्भ और लक्षद्वीप में एक या दो स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और उत्तर आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। आज का सुविचार, जोस जेम्स ने कहा था, बड़ा बनने की शुरुआत छोटे से आइडिया से होती है। जब आपको कोई आइडिया मिले तो इसके बारे में जरूर सोचिए, यह आपकी जिंदगी का गेम चेंजर बन सकता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।